हेलो एवरीवन, अंजलि इस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, काफ़ी स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए बनाना इसे शुरू करते हैं। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg दूध। फुल क्रीम दूध का यूज़ किया है मैंने, क्योंकि इस रेसिपी में हम कोई भी क्रीम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम फुल क्रीम दूध का यूज़ करेंगे। दूध को उबालने के लिए आप मोटे तले के बर्तन का यूज़ करें, ताकि दूध नीचे में सटे ना। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम सबसे पहले दूध को उबाल लेंगे। तो ये देखिए, दूध अच्छे से उबल गया है। तो हम गैस का फ्लेम हम मीडियम रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम दूध को पकाएंगे, जब तक कि ये आधा ना हो जाए। तो दूध को हम उबलने देंगे। अब हम लेंगे एक बोल, इसमें हम डालेंगे 3/4 कप दूध। ठंडा दूध का इस्तेमाल किया है मैंने। और इसमें डालेंगे 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, हमें ठंडे दूध का यूज़ करना है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे रख देते हैं साइड में। और आप देख सकते हैं, ये दूध थोड़ा थोड़ा कुक होने लगा है। इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे केसर, ये ऑप्शनल है। 1/3 चम्मच इलायची पाउडर, 3/4 कप चीनी। सभी को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे बिना केसर के भी बना सकते हैं, आप चाहे तो केसर को स्किप कर सकते हैं। तो इसी तरह से चलाते हुए हम इसे पकाएंगे, जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए और इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। तो तब तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और क्वांटिटी भी इसकी आधी हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर, जिसे हमने मिक्स करके रखा था। तो डालने से पहले हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे इसे। अब इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। एक उबाल आने तक हमें इसे पकाना है और ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आप देख सकते हैं, इसमें उबाल आ गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गया है और ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं, ये अच्छे से ठंडा हो गया है, क्योंकि इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर डाला था, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। तो अब हम लेंगे एक ब्लेंडर जार। हम वो वाले जार का यूज़ करेंगे जिसमें हम शेक बनाते हैं। तो जार में हम इसे डाल देंगे। आप देख सकते हैं, जार में मैंने इसे डाल दिया है। अब 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, और इसे अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब आइसक्रीम को सेट करने के लिए मैंने लिया है इस तरह का एक लंच बॉक्स टाइप का एक डब्बा है, इसमें हम इसे डाल देंगे। और इसके ढक्कन को हम बंद कर देंगे। इसे पूरी रात सेट होने के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। आप 8 से 10 घंटे के लिए या फिर पूरी रात फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो अब आइसक्रीम को मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है बाहर, और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा से सेट हो गया है। तो अब हम इसे निकालेंगे। इसे हम कुछ सेकंड के लिए डालेंगे पानी में, 1 से 2 सेकंड के लिए बस हमें इसे पानी में डालना है। अब इसमें साइड में हम कट लगा देंगे नाइफ से, चारों तरफ से हम इसमें कट लगा देंगे इस तरह से।
और इसे अब हम प्लेट में इस तरह से उल्टा करके टैप टैप करेंगे ऊपर से, तो ये आसानी से आइसक्रीम खुद ही बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से बाहर आ गया है। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा से आइसक्रीम सेट हो गया है और काफ़ी अच्छा बना है। तो आप भी इस रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर बनाएं, आपका आइसक्रीम भी काफ़ी अच्छा बनेगा। बिना किसी झंझट के बड़े आसानी से आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आपको इसे बनाने के लिए कोई मशीन का भी ज़रूरत नहीं है और ना तो व्हिपिंग क्रीम का ज़रूरत है। आप बड़े आसानी से इसे बना सकते हैं घर पर। तो ये देखिए ये कितना टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस गर्मी में आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।